गर्भपात इस विषय पे बात करने से लोग डरते थे, हिचकते थे और शर्म महसूस करते थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया है कि अब विवाहित या अविवाहित महिलाएं या युवतियां अपना कानूनी रूप से गर्भपात करा सकती हैं, वो भी 20 से 24 हफ्ते के बीच में। और ये बड़ा फैसला इसलिए भी है क्योंकि अभी तक पारिवारिक कारणों से, सामाजिक कारणों से और कानूनी कारणों से महिलाओं की ज़िंदगी खत्म पड़ जाती थी। जो अनवांटेड प्रेगनेंसी थी वो महिला उसको ख़त्म नहीं करा सकती थी, उसको तमाम पहलू में उसको जवाब देना पड़ता था, परिवार को भी, समाज को भी और डॉक्टर को भी और पुलिस को भी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अब ये संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि कोई महिला विवाहित है या कोई कम उम्र की लड़की है या अविवाहित है, वो अगर चाहती है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को ख़त्म करना चाहती है तो वो खर्च कर सकती है। और इसके लिए बाकायदा 20 से 24 हफ्ते का समय दिया गया है। ये बड़ा फैसला था। आज इस बारे में जब जनवाणी न्यूज़ ने डॉक्टरों से और समाज शास्त्रियों से बात की, आज हम इस बारे में बेस्ट यूपी के सबसे बड़े कॉलेज आरजीडी कॉलेज के समाज शास्त्र के हेड डॉक्टर अनुज तोगी के पास आया हूँ। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि मैडम, इस सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है? ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, महिलाओं की ज़िंदगी को किस तरह आगे बढ़ाएगा या कितना असर डालेगा? मैं डॉक्टर अनुज तोगी, समाज शास्त्र विभाग अध्यक्ष, आरजीपीजी कॉलेज। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसने तीन बातें हैं कि सभी महिलाओं को सेफ और लीगल एबॉर्शन का अधिकार है, शादीशुदा एवं अविवाहित दोनों ही तरह की महिलाओं को गर्भपात का अधिकार है, और तीसरी बात उन्होंने कहा कि 20 से 24 वीक्स के गर्भ को गर्भपात कराया जा सकता है। इन सभी चीज़ों के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इसका हम साहस स्वागत करते हैं। और इससे निश्चित रूप से, जो कई बार ऐसा होता था कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता था वो विकलांग होता था, लेकिन पारिवारिक समस्याओं के कारण या परिवार के दबाव के कारण कई बार स्त्रियों को उस बच्चे को पैदा करना पड़ता था। आज उन्हें ये सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया कि वो पर्सनली जाकर डॉक्टर से मिलकर उसकी जाँच कराकर और उसे गर्भपात करा सकती हैं। तो हम पूर्णतः सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं और हम बहुत स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश। तो मैडम, क्या इससे महिलाओं की लाइफ स्टाइल पर भी और क्या उनकी तमाम परेशानियों पे असर पड़ेगा? बिल्कुल परेशानियों पे असर पड़ेगा। एक विकलांग बच्चे को पैदा करना, मैं नहीं मानती कि कहीं किसी तरह की समझदारी है, और उससे ना केवल एक विकलांग बच्चे से वो महिला प्रभावित होती है बल्कि वो बच्चा खुद भी प्रभावित रहता है, उसका पूरा परिवार प्रभावित रहता है। तो इससे निश्चित रूप से हमें फ़ायदा मिले। और एक जो दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अविवाहित लड़कियां हैं उनके साथ भी ये फैसला लागू होगा, उस पर कितना असर पड़ेगा? उस पर भी असर पड़ेगा क्योंकि अविवाहित लड़कियां कई बार किसी कारणवश या किसी ऐसी गतिविधियों में फंस जाती हैं जिनसे कि वो की मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। तो इससे निश्चित रूप से अगर उन्हें अवार्ड का अधिकार मिला है, अवार्डन का अधिकार मिला है, तो वो भी इससे सुरक्षित रह पाएंगे, सही रहें। अभी मैं डॉक्टर अनुज सूरी ने बताया कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारेगा और टाइम के साथ में उन तमाम दिक्कतों का भी हल निकालेगा जो सामाजिक और पारिवारिक दायित्व के कारण और दबाव के कारण महिलाओं को पूरी ज़िंदगी झेलना पड़ता है। कभी विकलांग बच्चा पैदा होता है, कभी बच्चा ऐसा हो जाता है जिससे कि महिला की जान भी खतरे में पड़ जाती है। अब इन तकियान उसी बातों को भी सुप्रीम कोर्ट ने दूर करने का फैसला किया। आज मैं इस बारे में प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सरकार त्यागी से जानने के लिए आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला महिलाओं पर कितना लाभदायक है और उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। मैडम, ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में फैसले के बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि महिलाओं को ये अधिकार है कि अगर वो अनवांटेड प्रेगनेंसी कैरी कर रही हैं तो वो उसको अबॉर्ट करा सकें, तो ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की के लिए का धन्यवाद कि उसने महिलाओं के विषय में एक अच्छी सोच रखी और महिलाओं को ये स्वतंत्रता दी कि वो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रखना चाहें ना रखना चाहें, तो उनको ये अधिकार है कि वो उसको अबॉर्ट करा सकें।
तो इससे महिलाओं को बहुत सारी चीज़ों में, बहुत परेशानियों में राहत मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा गर्भ में स्वस्थ नहीं होता है, अस्वस्थ बच्चा भी महिलाओं को अगर पता चल गया अल्ट्रासाउंड के माध्यम से कि बच्चा स्वस्थ नहीं है, बच्चे में किसी तरह का कोई डिफेक्ट है, तो तब भी कानूनी बाध्यता के कारण महिलाएं उसको अबॉर्ट नहीं करा पाती थी। और फिर हम एक विकलांग बच्चे को जन्म देते हैं, या किसी बड़ी बीमारी के साथ कोई बच्चा है, किसी को किडनी ट्रबल है या कोई और इस तरह की जन्मजात बीमारी लेके बच्चा पैदा हो, और फिर जन्म भर फिर माता पिता उसको बीमार बच्चे के ट्रीटमेंट में लगे रहते थे, और कई बार उनकी उम्र भी बहुत अधिक नहीं होती जो बीमारियों के साथ बच्चे पैदा होते हैं, तो बहुत लंबी उम्र तक नहीं जीते, तो फिर वो एक ट्रॉमा फेस करते हैं कि पता चला कि 18-20 साल का या किसी भी प्रोडक्ट, मतलब बच्चा जैसे किशोरावस्था में आता है और किशोरावस्था तक आते आते बच्चे ईश्वर के पास चला जाता है, तो वो एक और ट्रॉमा उसको झेलते थे कि पूरा ज़िंदगी जितने दिन भी वो बच्चा 18-20 साल तक जब तक भी वो जिएगा तब तक उसका ट्रीटमेंट कराते हैं, उसको लिए घूमते रहेंगे, और उसके बाद भी अपना आर्थिक रूप से भी और शारीरिक मानसिक सब तरह का कष्ट झेलने के बाद भी बच्चा सर्वाइव नहीं करता था कई बार, तो ये परेशानी भी इस कारण से देखने को मिलती थी। तो अगर बच्चे में कोई मानसिक रोग या कोई इस तरह की अस्वस्थता है, मानसिक अस्वस्थता, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर आ रहा है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हमें पता चल जाते हैं जांच के माध्यम से, तो अगर इस तरह की कोई चीज़ बच्चे में मिलती है तो उसको अबॉर्ट करने से महिलाओं को निश्चित रूप से राहत मिलेगी। लड़कियों के लिए भी कहा है कि वो भी अपना गर्भपात करा सकती हैं 20 से 24 साल, उसके बारे में आपको कह रहा हूँ। देखिए, जो ये अविवाहित महिलाओं के लिए भी, अविवाहित युवतियों के लिए भी इस तरह का एक जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो मैं मानती हूँ कि ये महिला समानता की दिशा में एक अच्छा कदम होगा, क्योंकि कई बार अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं, कई बार महिलाओं किसी परिस्थिति वश अनमैरिड लड़कियों की लड़कियां प्रेग्नेंट हो गई हैं, कोई भी कारण उसका हो सकता है, और वो उस प्रेगनेंसी को नहीं कंटिन्यू करना चाहती हैं, तो उनको ये अधिकार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि वो उसको अबॉर्ट करा सकें, तो ये महिला समानता की दिशा में, महिलाओं के अधिकारों में एक कदम और आगे बढ़ के सरकार ने महिलाओं को एक कदम आगे और बढ़ने का अवसर दिया है, ये अच्छी स्वागत योग्य पहल है, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने महिलाओं को ये अधिकार दिया कि किसी भी वजह से, किसी भी तरह की अनवांटेड प्रेगनेंसी है, वो मैरिड और अनमैरिड महिला का भेद मिटा के कोई भी महिला किसी वजह से प्रेग्नेंट हुई, चाहे वो रेप के कारण हुई या मैरिटल रेप्स भी कई बार होते हैं, तो किसी भी कारण से अगर महिला को प्रेग्नेंट, किसी युवति को प्रेगनेंसी हुई और वो उसे नहीं रखना चाहती है, उसके पास ये अधिकार है कि उसको वो अबॉर्ट करा दे, ये स्वागत योग्य है। गर्भपात को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो आज ऐतिहासिक फैसला है कि अब अविवाहित और विवाहित महिलाओं के बीच में कोई अंतर नहीं है, और 20 से 24 हफ्ते तक महिला सुरक्षित अपना गर्भपात करा सकती है, और इस तरह के जो ऐतिहासिक फैसले में जो कही गई, इससे समाज के में एक नई दिशा जाएगी, और लोग जो इस बारे में लोग जो कंफ्यूज रहते थे और जिनको पारिवारिक दिक्कतें आती थी, सामाजिक दिक्कतें आती थी, वो भी इस फैसले से दूर होने की संभावना है। आज हम शहर की प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंशुजिंदर के पास आए हैं, और वो इस मामले में काफ़ी एक्सपर्ट हैं, खासकर अपनी गायनिक के मामले में, और वो बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कितना असर डालेगा महिलाओं की जिंदगी पर, और खासकर विवाहित अविवाहित। मैडम, क्या आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला? मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि पहले अविवाहित लड़कियों को अनसेफ अबॉर्शंस कराने पड़ते थे, और वो अनचाहे गर्भ को ना रखने के लिए मेडिकल अबॉर्शंस कराती थी, अपनी जान को खतरे में डालती थी, फैमिली उनकी सपोर्ट नहीं करती थी, तो ये जो फैसला आया है ये अविवाहित लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा है, वो भी सेफ अबॉर्शन करा सकेंगी, वो अपनी जान को खतरे में नहीं डालेंगी, और ये आदेश कि अब 24 वीक्स तक हम अबॉर्शन कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। पहले 22 हफ्ते तक था, और अब 24 हफ्ते तक अगर कोई भी बच्चे में डिफेक्ट आता है या माँ की जान को खतरा होता है, भले ही वो विवाहित हो या अविवाहित हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, एक वुमेन की जान तो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये मैं इस फैसले को बहुत वेलकम करूँगी, और उनकी सुप्रीम कोर्ट की सराहना करना चाहूँगी। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला सुनाया है गर्भपात के बारे में, उस बारे में आपको क्या कहना है? आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है बहुत ही सराहनीय है, उसमें उन्होंने बताया है कि विवाहित और अविवाहित जो महिलाएं हैं उनको गर्भपात का अधिकार मिल गया है। विवाहित जो महिलाएं थी उन्हें तो गर्भपात का अधिकार पहले से, लेकिन जो अविवाहित महिलाएं हैं उनके लिए ये कदम बहुत सराहनीय है, क्योंकि
समाज में अविवाहित महिला जो प्रेग्नेंट हो जाती है उनके लिए बहुत दुष्कर हो जाता है रहना। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट ने जब उन्हें आदेश दे दिया कि वो गर्भपात करा सकती हैं, उससे उनका जीवन बहुत आसान हो जाएगा और वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकती हैं। पहले जो ऐसी स्थिति थी कि जो अविवाहित महिलाएं थी अगर प्रेग्नेंट रहती थी समाज में जीना उनका मुश्किल हो, तो ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही बढ़िया कदम है, बहुत सराहनीय कदम है। शास्त्र विभाग से ट्विटर पर जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला लिया है महिलाओं के लिए वो बहुत सराहनीय है, हम इससे बहुत खुश हैं सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है। और अविवाहित और जो विवाहित महिलाएं हैं, वो जो अविवाहित महिलाएं हैं वो अपने लिए तो कदम उठा लेती हैं, लेकिन अविवाहित महिलाएं कभी अपने लिए कोई कदम नहीं उठा पाती, उनके लिए बहुत दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि समाज की और घर वालों की फैमिली की सबके बारे में उन्हें सोचना पड़ता है कि उनको इस सबका सामना करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत ही सराहनीय है। तो सभी ने इसका स्वागत किया और कहा कि एक महिला की समानता की तरफ उठाया गया अच्छा कदम है और खासकर महिलाओं को इस बात को अधिकार मिलना चाहिए कि वो चाहे ना चाहे कर भी विकलांग बच्चा पैदा करें और ऐसा बच्चा पैदा करें जो आगे चल के खुद उसके लिए भी और परिवार के लिए भी मुसीबत का कारण बने। और खासकर जो अनमैरिड लड़कियाँ हैं उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया गया है कि किन्हीं कारणों से चाहे वो बलात्कार हो चाहे वो मार्टियर रेप हो किसी कारणों से अगर वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे अब सामाजिक दंश का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो 20 से 24 हफ्ते के बीच में एक सलाह पे कानूनी अधिकार के तहत अपना एबॉर्शन करा सकती है। आज इसका ये चर्चा का विषय था, ये पूरा मुद्दा और ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था इस पर आज लोगों की सकारात्मक राय सामने आई है। और कैमरामैन किशन सुदन के साथ ज्ञान प्रकाश, जनवाणी न्यूज़।